ए इंसान, अखां विच मंजिल दी तस्वीर तां बना के वेख, रस्ता अपने आप ही बन जाएगा। यही जज्बा लैके अपनी मंजिल हासिल करन विच जुटी है फगवाड़ा नज़दीक पिंड ढंडिया की अपाहज लड़की मनप्रीत कौर, पुत्री महेंद्रपाल। मनप्रीत कौर दरअसल पोलियो की बीमारी तो पीड़ित है और अंगहीन होने के बावजूद भी मनप्रीत कौर ने अपने आप को कभी भी अपाहज नहीं समझा। रामगढ़िया विच एमए की पढ़ाई करन वाली मनप्रीत कौर ने पावर लिफ्टिंग विच भी अपना नाम बनाते हुए सैकड़े मैडल अपनी झोली विच पाए हैं। तो इस खेड के चलदे ही मनप्रीत कौर नू एक स्ट्रोंग महिला का खिताब भी मिलया है। मनप्रीत कौर ने दसिया कि उसका पिंड के नौजवानों वालों खेड खेडते समय ही कुछ वखरा करन की इच्छा नाल खेड नाल जुड़न का मन बनया। बस फिर की सी मनप्रीत कौर की खेडा प्रति जागी इच्छा ने अज उसनू इस मुकाम ते पहुँचा दिता है कि फिर उसने मुड़ के कभी भी पिछे मुड़ के नहीं दिखा। मनप्रीत इंग्लैंड, अमेरिका, कजाकिस्तान, जापान अते होरना देशां विच अपनी खेड का लोहा मनवा चुकी है अते कई मैडल जीत के अपनी झोली विच पा चुकी है। मनप्रीत कौर मुताबक हुण उसका ध्यान पैरा ओलंपिक खेडा वल है जिस विच हुण नामना खटना चाहती है। पंजाब ही नहीं बल्कि देशों के खिडारियों के प्रति सरकार कितनी को गंभीर है उसका अंदाजा इस गल तो लगाया जा सकता है कि बहुत सारे खिडारी अजिहे ने जो कि सरकार दी बेरुखियां कारण अपनी खेड छड़ चुके ने। उन्हां धन्नवाद कीता अपने पिंड वासियों का ते प्रवासी भारतीयों का जिन्हां ने उन्हां दी मदद करन विच कोई भी कमी नहीं छड्डी। मनप्रीत कौर नूं पिंड वासियों अते प्रवासी भारतीयों वालों 1.5 लाख रुपए का चैक अते गुरु घर की बख्शिश रूप पाओ दे के सन्मानित भी किया गया। जी मैं पावर लिफ्टिंग जो स्टार्ट की तो उदो मैं पता नहीं पावर लिफ्टिंग होंगी की है। तो उस तो बाद फिर मैनू कोच साहब जी ने बताया दसिया कि पावर लिफ्टिंग विच भार चक्या जाता है। तो फिर उन्होंने मैनू दिखाया जिमें भार चकते सारे। तो फिर मैं देख के पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की सी। उस तो बाद फिर 4-5 महीने प्रैक्टिस करके फिर मैं फर्स्ट नैशनल जीती सी जिस भी मैंने ब्राउन मैडल मिलया सी। तो उस तो बाद फिर इदा ही नैशनल 4-5 नैशनल खेडिया तो उन्हां विचों गोल्ड मैडल आए। तो उस तो बाद इंटरनेशनल 5 खेडिया तो उन्हां विच भी ब्राउन सिल्वर तो पार्टीसपेशन की। जी मैनू स्ट्रोंगेस्ट वूमेन ऑफ इंडिया के नाम सम्मानित किया गया सी जो कि सारिया वूमेन कैटागरी चो सब तो ज़्यादा भार मैं चक्या सी इसलिए मैनू स्ट्रोंगेस्ट वूमेन ऑफ इंडिया का खिताब मिलया सी। सर पहला तो मैं स्टडी की सी तो उस तो बाद मैनू पता नहीं सीगा कि गेम भी हुंदी आ मतलब हैंडीकैप लई गेम भी हुंदी आ कोई। तो फिर मैं जो पता चलिया तो पावर लिफ्टिंग का ही पता चलिया तो उही मन किया कि मैं करा तो गेम च अगे बदा। तो इस तरह फिर मैं उही गेम वाल डट के लगी रही तो हूँ इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया में 2nd नंबर पर मैं हाँ जी। मैं कजाकिस्तान गई थी फस्ट टाइम एशिया चैंपियनशिप खेडन। उस तो बाद मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मैक्सीको खेडन गई। तो फिर एशिया चैंपियनशिप जापान, यूके, तो यूके ब्रिटिश नैशनल चैंपियनशिप खेडी। तो उस तो बाद फिर मैं एशियन गेम्स में पार्टीसपेट किया जिस भी 4th स्थान पर रही मैं। तो उस तो बाद हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर कजाकिस्तान खेड के आए सी। बहुत हद तक तो यही है कि क्योंकि साढ़े कई प्लेयर तो गेम छड़ चुके आ जो कि इंटरनेशनल होके भी मतलब उन्होंने कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अज ये मुकाम ते कि वह गेम छड़ के अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं क्योंकि घर चलाने लई भी कुछ चाहिए उन्होंने। हुण गेम तो कल्ले खा नहीं सकते, घरदियां नूं भी नहीं खिला सकते, इसलिए उन्होंने इन्हें गेम तो ही कुछ कर लिया। मनप्रीत कौर जिस स्कूल विच पढ़ी उस स्कूल के अध्यापक रविंदर पाल ने दस्या कि मनप्रीत कौर ने उन्हां दी ही देखरेख विच 8वीं तक की पढ़ाई उन्हां दे स्कूल विचों कीती सी। ते ओह पढ़ाई विच भी हर बार पहले स्थान ते ही आउंदी सी। उन्हां कहा कि उन्हां नूं खुशी है कि मनप्रीत कौर ने अपना ते उन्हां दे स्कूल का नाम पूरी दुनिया विच रोशन किया है। मैं मास्टर रविंदर पाल, मेरा पिंड नरूड़िया, मैं इत्थे जिहड़ी ढड्डे पिंड दे विच जॉब आ 28/9/1994 तो शुरू कीती सी। तो मैं इत्थे तकरीबन 21 साल दे लगभग पढ़ाया पिंड दे विच 21 साल 8 महीने। तो यह जिहड़ी मनप्रीत अपनी कुड़ी अंबेदकर नगर की ढड्डे की, तो यह कुड़ी वाकई बहुत होशियार सी। जदों साडे कोल स्कूले पढ़न आउंदी हुंदी सी तां आपां इहनूं कहणा इहदे विच कोई किरिया है, एक्टिविटी है, कर सकदी आ, तां इहनूं कहणा बेटा तूं अपने कुछ ना कुछ करिया कर। गेम
गेम नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ जरूर करे कर, तू एक्टिविटी चुके ना कर निकलूंगी। तो ये साढ़े को कुड़ी अठवीं तक साढ़े को 2000 करके गई है। तो एक इस लड़की ने अज नैशनल लैवल के उत्ते अपने माता पिता का स्कूल का ना ढड्डे का उच्चा किया, पिंड का ना उच्चा किया। तो उस तो बाद दसवीं हाई स्कूल चकप्रेमा तो की आ, तो बी कॉम जी रामगढ़िया कॉलेज तो की आ, तो एम कॉम के एडमिशन ली हुई है। तो इस वेले जी कुड़ी गुजरात के रह रही, उत्थे ट्रेनिंग करती है गवर्नमेंट के स्कूल के मुताबक। तो इसने कुड़ी ने 5 बार अंतरराष्ट्रीय गेमों के भाग लिया। जे लड़की अगों पैरा ओलंपिक दे विच कोई भी मैडल जित के लिआउंदी आ, पिंड दे लई, देश दे लई, अपने इंडिया की खातर कोई भी मैडल लैके आउंदी, तां उहनूं असीं 5 लाख दे नाल कैश प्राइज देवांगे और सन्मानित करांगे। पिंड दे पंच हनी ने दस्सिया कि पिंड वासियां ते प्रवासी भारतीयां वल्लों मनप्रीत कौर नूं 1.5 लाख रुपए का चैक भेंट किया गया है। उन्होंने कहा कि जेकर मनप्रीत कौर अगे तो भी ओलंपिक विच मैडल जित के लियाएगी तो वह प्रवासी भारतीयों की मदद नाल 5 लाख रुपए का इनाम दे के उसका सन्मान करनगे। मैं पिंड ढंडिया तो बोलते हैं, साढ़े पिंड की कुड़ी आ मनप्रीत कौर, जिन्हें कि इंटरनेशनल दे विच बहुत गोल्ड मैडल का अपना लिया के बहुत साढ़े पिंड का नाम उच्चा किया। तो साढ़े पिंड के NRI तो पिंड वासियों ने सारे ने उसका बहुत सहयोग किया, अज्ज सन्मान किया उन्हें। तो आप यही चाहते हैं कि नैक्सट टाइम भी वो वधिया करे, तो आप होर वो बहुत वधिया करिए सारा कुछ। असी सारे NRI वीर का तो पिंड का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वो बच्ची लिए बहुत वधिया उपरला किया। असी आस करते हैं अगे तो भी सारे पिंड से जोड़ा भी गेम के वधिया रुचि रखता है वो बहुत वधिया माण करे साडे पिंड, आप माण करते साडे पिंड वालिया से जिन्होंने शुरू तो ही गेम वाल बहुत ज़्यादा ध्यान है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे पिंड ढड्डे विच मनप्रीत कौर बेटी जिहड़ी कि मैडल लैके आई सी एशिया दे विचों, ते उहदा सन्मान किया गया NRI भरावां नाल। ते उहनां दा असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं कि बेटी का हौसला अफजाई किया। ते अगों तों भी इस तरह भी पिंड दे विच बहुत पिंड दा नौ समझ लो भी सारे किते बहुत उच्चा किया बेटी ने। अगे तो भी उम्मीदा ने सानू साडे पिंड बारे भी होर भी मैडल लैके आवे, भी होर भी सत्कार इहदा होवे।